अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ कर रहा है। मुंडावर उपखंड के भैरोस ग्राम पंचायत का राजकीय प्राथमिक विद्यालय नसीरों की ढाणी इस स्कूल में लंबे समय से पोर्टल पर और वास्तविक रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या शून्य है, जबकि बच्चों को पढ़ाने वाला एक शिक्षक रणधीर स्कूल में तैनात है। आज जब मीडिया टीम स्कूल पहुंची तो स्कूल पर ताला लगा पाया। शिक्षक रणधीर से संपर्क साधने पर पता चला कि वह आधार कार्ड सही कराने मुंडावर गए हैं। मामला यहां तक ही विभागीय पोल खोलने के लिए काफी नहीं है, लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों को ही नहीं पता कि शून्य नामांकन वाले स्कूल का शिक्षक कहां पर तैनात है। शून्य नामांकन होने के बाद भी शिक्षक का उपयोग कहीं भी करना, क्या यह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं है? मुंडावर की इस घटना ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले में शिक्षक रणधीर का कहना है कि वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय नसीरों की ढाणी में कार्यरत है, उनके पास PEEO स्कूल में जाने के कोई आदेश नहीं है। जबकि इस मामले में कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव से बात की, उन्होंने बताया कि मैं अवकाश पर हूं, आप CBO से बात कर ले। CBO दीन दयाल ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नसीरों की ढाणी में जीरो नामांकन है तथा शिक्षक को PEEO स्कूल भैरोस में लगाया हुआ है। PEEO स्कूल के प्रधानाचार्य सरोज चौधरी से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अध्यापक रणधीर यादव को PEEO स्कूल में लगाए जाने के कोई आदेश नहीं है। जिम्मेदारों की ओर से दिए गए बयान ही उनके जिम्मेदार अधिकारी होने की गाथा बयां कर रहे हैं।